आजकल यूपी सरकार ने एक नया मुहिम छेड़ा है, 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने का मुहिम। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के मुताबिक 3 तलाक पर चुप रहना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना द्रौपदी के चीरहरण पर चुप रहना था। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की कार्यकारिणी में हाल ही में कहा कि मुसलमान बहनों को 3 तलाक के अन्याय से बचाने की जरूरत है। हिंदू महासभा ने तो 3 तलाक को लेकर हवन तक आयोजित किया और 3 तलाक की शिकार 2 औरतों से कहा कि उन्हें न्याय मिलेगा अगर वो हिंदू धर्म अपना लेती हैं। चर्चा अभी गर्म है। इतनी तेजी से महिलाओं के मुद्दे उठाते सरकारें कम ही नजर आती हैं, लेकिन जल्दबाजी में सरकार जनगणना के उन आंकड़ों के बारे में भूल गई जो हमें बताते हैं कि मुसलमानों में तलाक का दर सिर्फ 0.56% है। तो फिर 3 तलाक के मुहिम पर इतना जोर क्यों? क्या कुरीतियाँ एक ही धर्म से जुड़ी हुई हैं? और क्या मुसलमान औरतों के दूसरे मुद्दे नहीं हैं? शिक्षा, रोजगार और सभी मौकों से सबसे दूर हैं मुसलमान औरतें, लेकिन बल मिल रहा है तो 3 तलाक जैसे मुद्दों को। चलिए बांदा जिले की कुछ औरतों से मिलते हैं जो आज न्याय की उम्मीद में हैं। ये है भवई गांव की गुड़िया। इसके पति ने हसिया से इसकी नाक काटनी चाही, गर्म तेल से उसके शरीर को भी जला दिया। हसिया से नाक काट ली। बता जहाँ जहाँ कुछ पूछूं। हाँ, पहले हसिया से नाक काट ली है, फिर खलरी दिखा दी है। क्या जुर्म था गुड़िया का? खाना नहीं बनाया, बच्चे को नहीं देखा, वो सब नहीं किया जो समाज में औरतों को करना चाहिए। ये है बांदा शहर की आसिया। 20 साल की आसिया की शादी को 2 महीने हुए हैं। आज वो अपने मायके में रह रही है। ससुराल वालों पर दहेज और शोषण का आरोप है। क्या बात होती है आपकी जब आप यहाँ गई शादी के बाद, उसके बाद किस तरह का माहौल था वहाँ पर? जुर्म कर दी थी, बस हम जैसे कहते हैं ऊपर उन्हीं के सबके साथ बैठे तो बैठने दीजिए, जिसके दीजिए जमीन पे बैठो। 3 दिन रहे, 3 दिन हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। 3 टाइम हम खाना 3 टाइम हम बनाते थे उनके घर में, 3 टाइम बना के सबको खिलाते थे। जब पूरा सब कोई खा लेते तो उसके बाद 5 बजे हमें खाना मिलता था शाम के। पूरी दोपहर पर हम काम करते थे, सब कुछ करते थे और उसके बाद 5 बजे हमें शाम के खाना देते थे वो लोग। ये है बांदा के पैलानी के कछार डेरा गांव की संगीता। 13 अप्रैल 2017 को संगीता की मौत हो गई। संगीता के परिवार का आरोप है कि ससुराल वाले उसे लगातार दहेज के लिए मारा पीटा करते थे और यह दहेज हत्या का मामला है। ये है बांदा के पपरेंदा की राम दुलारी। ये जाति से बेहतर है और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छुआछूत सहती हैं। हमको दूर से देते हैं, सामान देते हैं और दूर खड़ा करा रखते हैं। हमारे बच्चे पेप्सी लेने जाते और बच्चे जाएंगे लेने कोई चीज तो उनको दूर से देंगे, पेप्सी लेने जाएंगे बोलेंगे इस बोतल को धो के दो। इन औरतों को क्या चाहिए? मैं वहाँ नहीं जाने के लिए तैयार हूँ, यहीं रहो। पे जाओगे तो जान ना बचेगी। कार्रवाई सब कुछ किया है, हमें अभी तक न्याय नहीं मिला, हमें न्याय चाहिए उनसे। किस तरह का न्याय चाहते हैं? उनको सजा मिले, हमारे जितने हमारे साथ कष्ट किया, हमें जुर्म हमारे साथ किया जितना, उनको कहते हैं हमारे जुर्म की सजा मिले जो हमारे से बीता है। हमें ये सही मार्ग का निशान अगर ये डॉक्टर पुलिस सब बांधे हैं तो हम CBI जांच करवाना चाहेंगे। हमारी CBI जांच हो, अन्याय मिले, जो जिसने जैसा कर दिया उसको ऐसे फल मिलना चाहिए। ये बंद होना चाहिए कि जो ये छूत मानते हैं। बहुत सारी औरतें हैं जो न्याय चाहती हैं। अपनी जाति और धर्म में सबसे दबी ये औरतें इंसाफ चाहती है। क्या 3 तलाक पर जोर इन औरतों को इंसाफ दिला पाएगा?